DRLs कितनी ज्यादा ब्राइट है भाई, ये पागल है। मुझे इस बाइक ने तो इतना इंप्रेस कर दिया, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। जैसे मैं थोड़ा बहुत इसको ऐसे लीन वीन करके चला रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। फाइनली NS 400 की चाबी हाथ में लग चुकी है। मैं तो लिटरली बता रहा हूँ भाई, मैंने इस बाइक को जब से आके शोरूम पे देखा है ना, बस मैं आप लोगों को किन शब्दों में बयां करूँ, मेरे पास तो 400 CC की बाइक होने के बाद मेरा इतना मन कर रहा है इस बाइक को लेने का। तो अब मैं आप लोगों की एक्साइटमेंट समझ सकता हूँ। अब मुझे बात भाई बहुत अच्छे समझ में आ रही है कि आप लोग भाई इस बाइक के लिए इतने एक्साइटेड क्यों हो और क्यों इतना वेट कर रहे थे कि प्रीत भाई वीडियो लाओ वीडियो लाओ। अब तो प्रीत भाई भी ये बात समझ चुके हैं। ओए होए, आवाज़ तो ऐसी कर रही है, बस पूछो मत। बहुत हैवी साउंड कर रही है बाइक। चलते हैं भाई, चला के देखते हैं क्या सिस्टम रहेगा। ये ब्रेक लीवर कितने पे है, इसको करो 5 पे। 3 पे ये मज़े नहीं आते, 5 पे दूर रहता है, 3 पे बहुत पास आ जाता है। अरे ये तो 5 पे और पास आ गया, तो 1 पे कर देते हैं, 1 पे सही है। चलो भाई जाने दो। एक बार ये आप लोगों को 360 बाइक तो दिखाऊं। गेयरबॉक्स बहुत अच्छा लगा मुझे। ABS कैन एरर, मे बी ABS ना चल रहा हो इसका, कोई दिक्कत नहीं अपने को, कोई अपने को नहीं चाहिए ABS। रोड पे खड़ी हुई भाई कितनी सही उसकी यार, उसकी DRLs कितनी ज़्यादा ब्राइट है, इतनी मतलब कड़ाके की दोपहर में भी इतनी तेज़ इसकी ब्राइट है ना, ये मतलब ऐसे लग रही है सूरज की धूप लगती है ना एकदम ब्राइट सी, वैसी कुछ लग रही है, एकदम बहुत ब्राइट है यार इसकी DRLs। वाओ, बिना शीशों के लग रही है भाई यार। चलते हैं चला के देखते हैं। थोड़ी सी मैंने गर्म भी कर ली और RPM भी स्टेबल से हो गए हैं। डॉगी मैन हट जाओ। ABS का पता नहीं चल रहा, चल रहा है नहीं चल रहा। हाँ ABS नहीं चल रहा क्योंकि मीटर भी नहीं चल रहा है ना। तो चलो भाई सबसे पहले इसको देखते हैं चलाने में कैसी है कैसी नहीं है, आपको ओवरऑल अपने फर्स्ट इंप्रेशन दूंगा। और सबसे पहले भाई जो बैठ के मैं चला हूँ ना, पोजीशन तो बहुत अमेजिंग है भाई बाइक की। पावर अभी आगे बताएंगे कैसी है, डरावनी है नहीं है, आगे तक लेके चलेंगे, भगाती हुई लेके चलूँगा। अरे भैया बस तुम लेके चले जाओ पहले। अगर हैंडल बार की बात करी जाए ना, हैंडल बार भी काफ़ी सही है और कैमरा के अंदर आप लोगों को व्यू भी अच्छा आ रहा होगा। लेंस थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, कर लिया है। लेट्स गो मैन। अरे भैया चलो यार, NS 400 चला लेने दो। NS 400 क्या ही तुमने जाम लगा दिया। वैसे यार देखो, अगर एक चीज़ बताऊं, सबसे पहले अगर ओवरऑल पोजीशन की बात कर जाए बहुत कमांडिंग है। सीट हाइट बहुत सही है, सीट हाइट में कोई दिक्कत नहीं है। एंड उसी के साथ साथ अगर क्लच की बात कर जाए, क्लच बहुत स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट हैगा, क्लच का फीडबैक बहुत अमेजिंग लग रहा है। लीवर्स वगैरह थोड़े नीचे को, अगर ऊपर को करना चाहो करवा सकते हो। गेयरबॉक्स इज़ गुड मैन। बजाज गेयरबॉक्स अच्छे बनाता है, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। और इस बार तो बजाज से जिस चीज़ की मुझे शिकायत रहती थी वो चीज़ भी सुधार दिया इन लोगों ने, रियर टायर अच्छा दिया है। चलो यूटर्न ही ले लेता हूँ यहाँ से, आगे तो ट्रैफिक ही लग रहा है, चलो लेके ही चलते हैं देखते हैं। वाओ, मैं सेकंड गियर पे हूँ। भाई ये पागल है। आवाज़ भी बढ़िया कर रही है यार। अभी थोड़ा वाइब्रेशन वगैरह भी चेक करेंगे, अभी थोड़ा मेरे को भगा। हाँ यहाँ स्ट्रेच अच्छा खींचते हैं। भाई मेरे यार, NS 400 बहुत अच्छा भाग रही है। इसके अंदर वो नहीं आता, क्या नाम है, क्विक शिफ्टर नहीं आता है। बेसिकली आपके भाई का जो मैनुअल क्विक शिफ्टर है वो कर रहा था मैं। बाइक ने बहुत अच्छा पुल दिखाया है यार। और अभी इसका ABS नहीं चल रहा है, तुम्हारा भाई बिना ABS के ऐसे चलाता रहता है। इसी को कहते हैं, इसीलिए कहता हूँ आप लोगों को भी, इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंडेंट मत बनो, अपने दम पे चलाया करो बाइक। भाई लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं कोई न्यू बाइक चला रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये बाइक कितने टाइम से मैं ही चलाता हूँ। बाइक के जो टायर्स की ग्रिप है बहुत अमेजिंग है। और हाँ एक चीज़ है,
थोड़ी बहुत हल्की बहुत वाइब्रेशंस हैं, इतना आप कह सकते हो कि बाइक का कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ी बहुत हैंडल बार पे आ रही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मे भी हो सकता है एक आधी सर्विस होने के बाद और स्मूथ हो जाएगी। अभी न्यू बाइक है ना, बिल्कुल ब्रांड न्यू पेटी पैक। भाई ये लगा लो, गियर तो डाउन करने के लिए बाइक कह ही नहीं रही है, क्योंकि डोमिनार 400 के अंदर जो ये इंजन आता है, डेफिनेटली डोमिनार इससे काफ़ी ज़्यादा वेटेड फील होती है, पर इसका बॉडी टू वेट रेशो बहुत अमेजिंग फील हो रहा है, बहुत हल्की और बहुत लाइट फील हो रही है मेरे को। तो मैं अगर पर्सनली बताऊँ तो मैं तो इस बाइक को चला के भाई ऐसा लग रहा है, मतलब इसमें कुछ कमी पेशी निकालने का मौका नहीं दे रही है बाइक। देखो ब्रेकिंग जो है, ब्रेकिंग अच्छी है, ब्रेकिंग में कोई कमी नहीं है, बट हाँ अगर इसको अगर कहीं ना कहीं मैं ड्यूक से कंपेयर करूँगा तो थोड़ी KTM की लेवल की नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि KTM में आता है 4 पिस्टन कैलिपर, इसके अंदर है 2 पिस्टन कैलिपर, पर ये बाइक अपने अकॉर्डिंग ब्रेकिंग बहुत अच्छी प्रोवाइड करवा रही है। जैसी ब्रेक्स अप्लाई कर रहा हूँ एकदम मेरे को फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है, ये देखो एकदम रुक रही है, नाइस। देखो हल्का सा ही थ्रोटल लेते थे आगे से उठ जाती है। इसके अंदर राइड बाय वायर होने से ना इसके एक्सेलरेशन में जो इंक्रीमेंट आया है वो भाई काबिलियत तारीफ है, जो बात है वो चीज़ इसके अंदर बहुत बढ़िया हुई है। और जो रियर टायर इसके अंदर इन्होंने रेडियल दे रखा है वो ग्रिप भी नहीं छोड़ रहा है। जैसे मैं थोड़ा बहुत इसको ऐसे लीन वीन करके चला रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ थोड़ी बहुत वो जैसे मैंने बताया हल्की बहुत वाइब्रेशंस हैं, वो चीज़ इसमें मुझे लगता है ओवर द टाइम रेक्टिफाई हो जाएंगी। वैसे बाइक बहुत स्मूथ है कि बजाज यार बहुत बढ़िया काम कर रहा है इस टाइम पे यार, आज की डेट में। क्या बोलते हो गाइस, इस बाइक को ख़रीद लूँ? अब आप लोग कमेंट करके बताओ, अगर आप लोग कहोगे ले लो प्रीत भाई तो ले लेंगे। भाई साहब चिल्ला रही है, कसम से चिल्ला रही है भाई यार। नहीं भाई मतलब आप ये लगा लो आपको 100% 400cc वाला फील आएगा। और एक चीज़ और इसमें बहुत अच्छी फील हो रही है, जो एक्सेलरेशन है ना बाइक का वो बहुत अमेजिंग हो रहा है। क्लच इतना आगे क्यों चल रहा है, थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, बहुत आगे चल रहा है क्लच। कितने नंबर पे क्लच? 3 पे। इसे आ तू भाई 5 पे, थोड़ा 5 आ मेरे, अब थोड़ा सॉफ्ट हुआ। चलें भाई चलो। बात करी जाए ना बाइक की, अब थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा इसका लो एंड टॉर्क देखते हैं। गियर नंबर 6 डाल दिया है, पर 6th गियर के हिसाब से स्पीड नहीं है। अरे भैया स्टार्ट हो, अगर आपको देखो एक नॉर्मल ट्रैफिक के अंदर इसे लेके चलना है ना, तो भाई देखो जैसे एक बड़ी बाइक को चलाते हैं, 400cc की बाइक को चलाते हैं, वैसे चलेगी, आराम से चलेगी। लो एंड टॉक भी बाइक का अच्छा है। अब मैं नहीं कह सकता है थर्ड गियर पे भी कितनी स्पीड पे होगी, मेरे हिसाब से ज़्यादा 20-25 की स्पीड पे होगी, थर्ड गियर के हिसाब से सही चल रही है। तो यार बजाज ने मज़ा बांध दिया यार, बजाज मज़ा आ गया। ट्रैफिक बहुत मिल रहा है यार गाइस, देखते हो आज बस मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और ये लगा लो अभी तो इसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बंद है, क्योंकि ना ABS चल रहा है ना ट्रैक्शन कंट्रोल चल रहा है, क्योंकि अभी इसकी जो मीटर की वायर है वो कनेक्टेड नहीं है ना इस वजह से। अब बिना इलेक्ट्रॉनिक्स के चला रहा हूँ मैं इसे इस टाइम पे, एकदम रॉ NS चल रही है ये। चलो थोड़ा सा खींचता हूँ, भाई लिमिटर बहुत देर में आ रहा है इसका। मैंने जानबूझ के सेकंड गियर मैक्स आउट करा, मैंने कहा लिमिटर देखूँ कहाँ आएगा, कितने पे लिमिटर आया था, लगभग वही 9,500-10,000 पे आ रहा है। सर्विस वर्विस होने के बाद लिमिटर और आगे चला जाएगा। बहुत बढ़िया चल रही है यार ये बाइक, कसम से इस बाइक ने तो इतना इंप्रेस कर दिया, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था NS 400 इतनी बेहतरीन चलेगी, नाइस यार। जिन लोगों को लेनी है मेरी तरफ से भाई फुल ग्रीन सिग्नल है, खरीदो मजे करोगे इस बाइक को लेके। 2,16,000 में अभी ले लो, अभी इसका इनिशियली इंट्रोडक्टरी प्राइस है, हो सकता है ओवर द टाइम बजाज इसको महंगी कर दें। ये देख रहे हो कैसे चला रहा हूँ मैं इसे, जैसे कि मैं इस बाइक को कितने लंबे टाइम से चला रहा हूँ, मैंने कब से खरीद रखी होगी, ऐसे चल रही है। मतलब कि हैंडलिंग बहुत अमेजिंग है, फ्रंट में USD फोक्स हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ सस्पेंशन बाइक की बहुत अच्छी लगी मेरे को, इस पे से थोड़ा सा स्पीड में निकालूं। नहीं भाई बजाज ने सस्पेंशन भी अच्छी दी है, ये चीज़ मैं थोड़ा पॉइंट आउट करना भूल गया था। सस्पेंशन अच्छी है, ब्रेक्स अच्छी हैं, पर
400 सीसी के अंदर देखोगे तो आपको और भी अच्छी मिल जाती है, बट इस बाइक के प्राइस के अकॉर्डिंग चीज़ें जस्टिफाइड हैं। जानबूझ के इन गड्ढों पे से थोड़ी सी मैं तेज उतार रहा हूँ, नहीं भाई फर्क भी नहीं पड़ रहा भाई बाइक को। और जो पीछे का टायर है 140 सेक्शन का जरूर है, पर ट्रैक्शन अभी तक उसने कहीं नहीं छोड़ा है। अब थोड़ा नेगेटिव ढूंढता हूँ उस बाइक में है। देखो हल्का सा जो मैंने एक छोटा सा नेगेटिव बताया, हल्की सी वाइब्रेशंस है, वो बहुत मिनिमल सी हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हैंडलिंग बहुत अमेजिंग है, हैंडल बार बहुत लंबा नहीं है, कंफर्टेबली आप चला सकते हो, इजीली चला सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है, बिना किसी प्रॉब्लम के इस बाइक को बहुत मतलब हंसी खुशी चलाओगे, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा आपको। भाई 400 सीसी में इससे सस्ती बाइक कोई नहीं है डेफिनेटली, मतलब एक बार ही रोकते हैं यार बाइक को। तो भाई देख लो, मेरा तो एक राइड रिव्यू, जो मेरे फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं या फिर आप एक राइड रिव्यू कह लो, NS 400 मेरी तरफ से तो गुड टू गो है। खरीदने खरीद लो, शीशे वीशे निकाल के लग भी बहुत अच्छी रही है। और ये जो टायर है 140 सेक्शन का रेडियल टायर, ग्रिप अच्छी दे रहा है, ये टायर भी बहुत अच्छी ग्रिप दे रहा है। एक्सेलरेशन में भाई गोली की तरह भाग रही है, आपको भगाने में बिल्कुल मजा आएगा। अगर कुछ लोग सोच रहे हो अगर इसको ड्यूक 250 से कंपेयर करा जाए चलाने के मामले में, मैं लिख के दे सकता हूँ ड्यूक 250 से बहुत ज़बरदस्त चलने वाली है चलाने के मामले में। तो वहाँ पे आपके पैसे बचेंगे, 70-80 हज़ार रुपये बचा लोगे इसको खरीदने में अगर ड्यूक से कंपेरिजन करते हो तो, स्पेशली 250 से। 390 से अगर बताऊँ तो वो थोड़ा सा यार अलग चीज़ हो जाती है, उससे महंगी कितनी ज़्यादा वो देखो आप, बहुत ज़्यादा ऊपर पैसे दोगे उसको खरीदने के लिए। तो ठीक है भाई, देखो इस वीडियो में इतना ही रखता, फर्स्ट इंप्रेशन मेरे NS 400 को लेकर यही रहने वाले हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कैसा लगा मेक श्योर करके कमेंट डाउन बिलो, अगर पसंद है तो कमेंट करके बताना। और अगर आपको इस बाइक के रिलेटेड अगर कोई और भी वीडियो देखनी है तो फटाफट से कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए अदर वीडियो इस बाइक के ऊपर खूब सारी बना दूंगा। ठीक है, तो मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत।